जब भी हम हरे धनिया को किसी सब्जी में डालते हैं तो सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी लगती है। तो हरे धनिया को स्टोर करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हरी धनिया को स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और कुछ बहुत ही आसान टिप्स के साथ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हरी धनिया को स्टोर करने से पहले हम इसको धुल लेंगे साफ पानी में, और इसकी जो मिट्टी है उसको हम निकाल देंगे और फिर इसको हम पंखे की हवा में सुखा देंगे जो इसका पानी है, तभी हम स्टोर करेंगे। और इस तरीके से अगर आप स्टोर करेंगे तो हरी धनिया आपकी एक हफ्ते तक ताज़ी बनी रहेगी और बिल्कुल भी इसकी ख़राब नहीं होंगी। और गर्मी में तो इसकी पत्तियां बहुत ही जल्दी सड़ जाती हैं, ये तरीका आप लोग ज़रूर अपनाएं। तो देखिए हमने इसका पानी जो पूरा है उसको सुखा लिया है और इसको अब हम जो है इसकी गड्डी बना लेंगे जैसे मार्केट में मिलती है। तो इस तरीके से आप एक एक डंठल को लेके इस तरीके से एक गड्डी बना लीजिएगा जिसको हम बंडल भी कहते हैं, और इसको इस तरीके को से एक साफ कॉटन के कपड़े में अगर लपेट के आप रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक हमारी धनिया अच्छी ताज़ी बनी रहेगी। और इस तरीके से आप इसको फ्रिज में या फ्रिज के बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। और इसको पेपर में बिल्कुल भी लपेटिएगा नहीं क्योंकि वो हार्मफुल होता है। तो अगर ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत अच्छी अच्छी किचन टिप्स मिलेंगी, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।